हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल दुलाल नाथ को स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों नमस्कार, आज देखिए हम कैसे एक रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी का नाम है हालिम का खीर। तो ये हालिम क्या है? हालिम जो दिखते हैं, देखिए ये बीज बिल्कुल तिल जैसा दिखता है। तो ये बीज क्या है? ये अलिप का सीड्स है। तो इसको हम अमेजन ऑनलाइन पे मंगाए हैं। देखिए इसको कहते हैं हालिम सीड्स। तो इसको कैसे बनाएंगे आज हालिम का खीर? तो देखिए इसका अनुपात है कि एक व्यक्ति के लिए एक चम्मच लेना है, पर पर्सन 1 चम्मच। तो हम 4 चम्मच लिए, 4 आदमी के लिए। और इसको फिर पानी से भिगाएंगे। इसको एक बड़े बर्तन में रख देना। तो ये क्या होगा, पानी से भिगाने के बाद 4-5 घंटा छोड़ देंगे ओवरनाइट, तो वो फूल जाएगा। इसका साइज बड़ा बड़ा फिर हो जाएगा। तो ऐसे पानी के साथ इसको 4-5 घंटा रख देंगे। उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और 4-5 घंटा रख देंगे। फिर ये हालिम खीर में कोई शक्कर या गुड़ या कोई भी ऐसे कुछ चीज़ नहीं देंगे जो मीठा लगता है। वो बिल्कुल मीठा लगेगा ऐसा एक चीज़ देंगे। तो ये चीज़ है डेट्स। देखिए खजूर, खजूर होता है ये। खजूर का मीठा जो डायबिटीज़ पेशेंट को लिए भी अच्छी होता है, उसके सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो ये खजूर को फिर उसको उसमें भी पानी मिलाएंगे और उसको भी 4-5 घंटा भिगा के रखेंगे। बहुत सख्त लगता है तो इसका बीज फिर निकालेंगे। पहले पानी से भिगाएंगे इसको 4-5 घंटा। 4-5 घंटा के बाद फिर इसका बीज निकालेंगे और इसको ग्राइंडिंग कर देंगे। इसको भी 4-5 घंटा रख देंगे। अभी देखिए रखने के बाद अभी ये 4-5 घंटा हो गया, तो ये डेट्स खजूर भी हो गया और ये हालिम का सीड्स जो अलिप सीड्स ये भी भीग गया पूरा। देखिए कैसे फूला हुआ है। देखिए फिर ये खजूर को बीज निकालने के बाद ग्राइंडिंग कर देंगे और इसका पानी जो बचा हुआ है उसको भी ग्राइंडिंग के वक्त दे देंगे वहीं पर, और अच्छी तरफ से ग्राइंडिंग कर देंगे। अभी बर्तन में दूध रखेंगे, दूध को उबालेंगे, गर्म होगा दूध। आधा लीटर दूध लिए और ये डेट्स या खजूर को ग्राइंडिंग कर देंगे। अभी
फिर ये हालिम सीड्स को दूध में डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। देखिए और इसको ऐसे हिलाएंगे जैसे वो नहीं लग जाएगा। इसके बाद वो खजूर जो ग्राइंडिंग हुआ खजूर को फिर मिलाएंगे। देखिए अच्छे से ये इसको अभी ये काजू को फिर कूट के इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ऐसे कूटेंगे और दाना दाना जैसा रखेंगे। इसके बाद फिर ये हालिम खीर में डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, ये सेहत के लिए अच्छा लगेगा। इसमें थोड़ा सा गाय देसी शुद्ध गाय घी भी देना है। और एक महत्वपूर्ण बात कि ये हालिम खीर ये सर्दी का महीना में अंततः 3 बार खाएंगे, मिनिमम 3 बार खाएंगे तो सर्दी जुकाम नहीं लगेगा। ये कोरोना काल चल रहा है अभी, तो सर्दी जुकाम पे कोरोना भी होता है, तो कोरोना को भी कंट्रोल करेगा। इसमें इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा है और ये खाने से जोड़ों का दर्द नहीं होता है, घुटनों का दर्द नहीं होता है, कमर दर्द नहीं होता है। और लेडीज लोगों का जो गायनिक प्रॉब्लम भी होता है वो पीरियड का प्रॉब्लम भी नहीं होता है ये हालिम का खीर खाने से। उसको खाने से शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा और सर्दी जुकाम भी नहीं लगेगा और पूरा बिल्कुल ताज़ा महसूस करेंगे। अपनाइए ये हालिम का खीर और ज़रूर शीत के महीने में 3 बार खाओगे तो सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं लगेगा आपको, कुछ नहीं है। थोड़ा सा ट्रायल भी कीजिए। और दोस्तों हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट दीजिए ताकि हम नया नया वीडियो फिर बनाएंगे, अपलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे तो हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा आप शेयर लाइक कमेंट करने से। तो ये हालिम खीर भी देखिए अभी कैसा बनाया। और ये इसको एक कप में परोसेंगे और इसका लुत्फ़ मज़ा उठाएंगे।